दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला भी खत्म हो चुका है। 3-3 टेस्ट मुकाबले हारने के बाद भारतीय टीम का क्लीन स्वीप हो चुका है और क्लीन स्वीप होने के साथ ही साथ भारतीय टीम ने काफी बुरा रिकॉर्ड बना दिया है। बुरा रिकॉर्ड इस बात पर बनाया है कि अपनी धरती पर भारतीय टीम काफी सालों बाद टेस्ट सीरीज हारी है। तीसरा जो टेस्ट मैच हुआ उसमें भारतीय टीम के बिल्कुल मुट्ठी में था ये मैच, क्योंकि लक्ष्य जो मिला था वो मात्र 147 का लक्ष्य था। लेकिन भारतीय टीम की बैटिंग इतनी बेकार हुई है कि ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाए तो सभी बल्लेबाज जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए, बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर पाए। लास्ट में आके भारतीय टीम 21 रन से यह मुकाबला हार गई। ये सीरीज हारने के साथ ही साथ टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम क्वालिफाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। बहरहाल 1-5 नवंबर के बीच में यह मुकाबला खेला जाना था लेकिन 3 नवंबर को ही यह मुकाबला खत्म हो चुका। तो कई लोगों ने सीजन टिकट बुक की थी। सीजन टिकट का मतलब ये है कि पूरे 5 दिन का टिकट बुक किया था। चूंकि 3 दिन में ही मैच खत्म हो गया है तो कई लोगों की ये सवाल है कि क्या हमारा 2 दिन का पैसा जो है वो रिफंड होगा टिकट का, क्योंकि हमने 5 दिन की टिकट बुक की थी लेकिन मैच 3 ही दिन हुआ, तो 2 दिन जो बचे हुए उसका पैसा हमें कैसे रिफंड मिलेगा। तो बता दूं मैं आपको कि अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि पेटीएम इनसाइडर क्या कह रहा है इस बारे में, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से आप इसका रिफंड ले पाएंगे। बता दूं मैं आपको कि ये पूरी तरह से पेटीएम इनसाइडर पर डिपेंड करता है कि वो पैसे को रिफंड करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपने 5 दिन का टिकट बुक की है लेकिन मैच 3 दिन में खत्म हुआ है तो मैच 3 दिन में खत्म होने के बाद आप एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि मैच पूरा हो चुका है। अब चूंकि 3 दिन में मैच हो चुका है लेकिन 2 दिन का टिकट आपका पैसा जो है वो कंपनी के पास जमा है, इसलिए आप एलिजिबल भी हो सकते हैं। तो अब पेटीएम इनसाइडर की सोच पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचती है कि क्या आपको वो पैसे रिफंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो भी जानकारी आएगी या उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस आएगा तो तुरंत मैं आपको वो प्रोसेस बता दूंगा जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपने पैसे को रिफंड ले सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत मैं आपको लाके जानकारी देने की जरूर कोशिश करूंगा।